दिल्ली NCR में आज भी झमाझम बारिश, 5 राज्यों में अलर्ट। जाने अपने शहर के मौसम का हाल। दिल्ली NCR में आज फिर बारिश होने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। IMD के मुताबिक इससे कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा है। दिल्ली NCR में आज फिर से मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। इसी प्रकार उत्तर और बिहार के अलावा उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश हो सकती है। आज सुबह से ही दिल्ली NCR के वातावरण में गर्मी और उमस है। मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति दोपहर तक रह सकती है। हालांकि दोपहर बाद मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न इलाकों में यह बारिश आफत बन गई है। इन तीनों ही राज्यों में बाढ़ और बारिश के लोग परेशान है। बुधवार को ही दिल्ली के अलावा NCR के नोएडा और गाजियाबाद में दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। इससे शाम और मौसम काफी सुहाना हो गया था। हालांकि देर रात उमस बढ़ गई। उधर उत्तराखंड के अलावा UP और बिहार में मॉनसून की बारिश तेज हो रही है। इन तीनों ही राज्यों में रोज कहीं न कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इसके चलते बिहार के दर्जन भर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली में आज फिर से होगी बारिश। कई जगह नदियों में ज्यादा पानी आने की वजह से इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग के दिल्ली केंद्र के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली NCR के आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर में हल्की बारिश तो कहीं हल्की तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल में आफत, 28 सड़कें बंद। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में तो बारिश और तेज हवाओं की वजह से आसमानी आफत बरस रही है। बुधवार को यहां हुई बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन हुआ। इसकी वजह से 28 सड़कों पर आवागमन ठप हो गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस राज्य में गुरुवार को भी कई जगह गरज के साथ बारिश हो सकती है। यहां आज फिर से बिजली कड़कने और भूस्खलन होने की आशंका व्यक्त की गई है।